भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नीरज और क्लासेस। और यहाँ पे सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूँ कि सीए एग्जाम्स में सर बच्चे फेल क्यों थे। बहुत सारे कारण है सर, उसके हमने काफी बार डिस्कस किए हैं, चाहे वो सर लक फैक्टर हो, चाहे वो सर आप लोगों का ना पढ़ना हो, चाहे वो सर टीचर्स का शायद ढंग से ना पढ़ाना हो। लेकिन सर उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि सर हमारी आदतें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। आप लोग मुझे सबसे पहले कमेंट उसमें कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोग हैं सर जो 12th क्लास में 80% एंड अबव मार्क्स लेके आए थे। 80% एंड अबव, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने बच्चे हैं जिनके 80% अबव मार्क्स थे क्लास 12th में, और अब वो सफ़र कर रहे हैं सर इस कोर्स के अंदर, वो सर सीए के कोर्स को जो है क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सर दिक्कत हो रही है पढ़ाई में, उनके सर अटेम्प्ट्स लग चुके हैं बहुत सारे, क्या कारण है सर? कभी आपने बैठ के इस बारे में सोचा या नहीं सोचा? तो मुझे सबसे पहले तो आप ज़रूर बताइएगा आप में से कितने लोग हैं सर जो 12th में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर रहे थे, लेकिन सर अब अपने एग्जाम में सर जो है सीए के एग्जाम से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, राइट? मैं आपको सर उसमें से एक कारण बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, वेरी गुड, आपने सर 5 बार बुक पढ़ ली, वेरी गुड। अब सर समय है सर उसकी एप्लीकेशन का, अपने आपको चेक करने का कि भाइयों मेरी जो पढ़ाई है वो एक्चुअली में सर सही हुई है या नहीं हुई है, है ना? तो सर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने उसकी एप्लीकेशन कैसे चेक करनी है, और मैं आपको कारण बता रहा हूँ। क्लास 12th एक बार याद कीजिए, जब आपने 11th क्लास पास करी, 11th में सब मस्ती मारते हैं सब, मैंने ही बहुत मस्ती मारी भाई 11th क्लास में, बहुत ज़्यादा। आई थिंक मेरे 46% मार्क्स थे 11th क्लास में, 12th क्लास में बस लगभग डबल तक पहुंच गया था। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ के सर हम लोग 11th मस्ती मारते हैं, 12th में हम जैसे ही आते हैं हमारे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, और सर डे वन से ही आपका यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, प्री बोर्ड, री प्री बोर्ड। वहाँ आप कोचिंग में जब पढ़ते थे आपको याद होगा सर, आप लोगों ने टुगेदर विद यू लाइक और ये सारी कितने सारे आपने सर सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व किए, करते गए, कभी भी हार नहीं मानी, कितने सारे क्वेश्चंस आपने अपने हाथों से बैठ के लिख कर सॉल्व किए, राइट? सो अब क्या हुआ सर, आपने एक ऑन एन एवरेज, आपको एक डेटा बताता हूँ, आप लोग मुझे इसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैं सर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके लिए सर एक आई बटन बना रहा हूँ, आप बताइएगा कि मिनिमम कितने टेस्ट पेपर आप लोग सॉल्व करके गए थे अपने क्लास 12th के एग्जाम के लिए। लेट मी रिपीट, क्लास 12th के एग्जाम के लिए मिनिमम आपने कितने जो है टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे मुझे जरूर बताइएगा। और ऑन एन एवरेज मुझे ऐसा लगता है सर 25 से 30 टेस्ट पेपर मिनिमम हर बच्चा हर सब्जेक्ट का सॉल्व करके जाता था, राइट? अब सीए में क्या हो गया, आप बताइए सर आपने कितने टेस्ट पेपर सॉल्व किए, कम ऑन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड टेल मी कि आपने सर सीए एग्जाम से पहले कितने टेस्ट पेपर सॉल्व किए, वो भी सर मुझे बताइएगा। उसका भी सर मैं आपको आई बटन दे रहा हूं कि सीए एग्जाम्स में आपने कितने टेस्ट पेपर सॉल्व किए, जरूर मुझे बताइएगा, राइट? अब सर हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, आईसीए मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है, आई होप आपने उसे दिया होगा मॉक टेस्ट को, हम लोग भी मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं सर, और मॉक टेस्ट सर आप लोग फेस टू फेस आके भी दे सकते हैं, और ऑनलाइन भी सर आप ऑनलाइन भी सर आप उस मॉक टेस्ट का जो है फायदा उठा सकते हैं। फेस टू फेस सर अगर आप रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद के आसपास तो वेलकम सर, आइए हमारे सेंटर पे किसी भी दिन मंडे टू सैटरडे 2 से 5, किसी भी दिन बिना बताए आए, बस आए और सर बोले मुझे मॉक टेस्ट देना है, ऑडिटिंग का भी हमने तैयार कर लिया है, टैक्स का हमने तैयार कर लिया है, आए और बोले मुझे मॉक टेस्ट देना है, आपकी एक छोटी सी फीस लगेगी, आप सर वहां पे क्वेश्चन पेपर लेंगे, आपको बैठने की जगह मिलेगी, बैठिए और वहां पे सर अपना आंसर लिखिए प्रॉपर, और उसके बाद सर आप सबमिट करके घर चले जाइए, आपकी कॉपी चेक होके आपको मिल जाएगी। अगर आप फेस टू फेस में आ रहे हैं तो यस, आपकी कॉपी जो है चेक होके आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन आप लोग कैसे दे सकते हैं, ऑनलाइन भी सर हम लोगों ने मॉक टेस्ट लॉन्च कर रखा है हमारी EDU91 ऐप पे, जाइए उस ऐप के ऊपर और सर मॉक टेस्ट ले लीजिए, और मॉक टेस्ट में सर आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसकी की मिलेगी, उसके आंसर्स मिलेंगे, और साथ ही साथ में हर आंसर पे मेरी टिप्पणी मिलेगी, मेरी, आपका पेपर इंडिविजुअली चेक नहीं होगा, लेकिन हाँ हर आंसर पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि सर बच्चों ने इस पर जनरल मिस्टेक क्या करी है, और बच्चों के सर कैसे बच्चे सर इसका जो है फायदा उठा सकते हैं इस मॉक टेस्ट से, क्या इनको लिखना चाहिए था, क्या नहीं लिखना चाहिए था, प्रेजेंटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? सो दो मोड हैं सर आपके पास मॉक टेस्ट के। नंबर वन सर आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं EDU91, वो मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल रहेगा आपके एग्जाम्स तक, वो वीडियोज आपके पास अवेलेबल रहेंगे आपके एग्जाम्स तक, 200 से 250 MCQ आपके पास अवेलेबल रहेंगे एग्जाम्स तक, राइट? सो मॉक टेस्ट सर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। अगर सर आप आते हैं ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में सर फेस टू फेस आएंगे हमारे सेंटर पे मंडे टू सैटरडे किसी भी दिन 2 बजे पहुंचिए, 2 से 5 सर आपका एग्जाम चलेगा, आप सर एग्जाम दीजिए और उसके बाद सर आपका एग्जाम चेक होके आपको स्कैन होके मेल पहुंच जाएगा फेस टू फेस मोड में, राइट गाइस? तो ये थी सर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने बताने की कोशिश करी कि सर क्यों जो है सीए स्टूडेंट सर फेल होते हैं, उसका एक कारण हमने डिस्कस किया, और साथ ही साथ में सर हमने डिस्कस किया कि भाई मॉक टेस्ट कैसे आप लोग सर अवेल कर सकते हैं। दोनों ही मोड बढ़िया है, बाई चांस सर अगर आपको थोड़ा अफोर्डेबिलिटी इशू लग रहा है कि यार मॉक टेस्ट जो है महंगा लग रहा है क्योंकि 250 रुपीज़ हमने उसका प्राइस रखा है, मुझे नहीं लगता कि सर बहुत
बहुत महंगा लगना चाहिए। आप हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए कोचिंग में खर्च कर देते हो तो 250 rupees अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट फिर भी अगर किसी को लगता है सर बहुत बड़ा अमाउंट है तो हमने 99 rupees का भी सर एक स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रखा है ऑडिट का, जिसमें आपको सिर्फ 200 to 250 MCQs मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, आप टाइम बाउंड मैनर में उन्हें कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। गेमीफाइड कोर्स है, धीरे धीरे उसके अंदर MCQs जो है इकट्ठा कर रहे हैं, बेसिकली वो एक तरह का क्वेश्चन बैंक है ICAI के पास्ट ईयर का, राइट। आई होप गाइस इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई ऑडिट के मॉक टेस्ट के बारे में। ऐसी सर इनकम टैक्स का मॉक टेस्ट अवेलेबल है और मई 2019 के लिए भी सर मॉक टेस्ट जो है अभी से अवेलेबल है हमारे हमारी वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे EDU91। राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। चले जी, बाय बाय, टेक केयर।